प्रभावी संवाद कौशल्य में यह भी बोला जाता है कि भाई आप कौन सी जगह पे बोलते हो उसको भी महत्व है, कौन सी जगह पे बोल रहे हैं। ऐसा मैंने पहले वीडियो में कहा था कि कौन बोल रहा है उसको महत्व है, वैसा कौन सी जगह पे आप बोलते हो उसको महत्व है। एक लड़का यदि एक लड़की को प्रपोज करना चाहता है तो उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो हम हॉस्पिटल में जाएंगे और वहाँ डॉक्टर से भाई कुछ तपास लेंगे, मुझे बताना है तबियत वगैरह, वहाँ जाकर थोड़ी प्रपोज करेगा। या वो बच्चा कहीं स्मशान घाट में जाकर थोड़ी प्रपोज करेंगे वो लड़की को कि मुझे मेरे से शादी करूंगी क्या, मतलब ऐसे कहीं भी जाके नहीं करेंगे। या बहुत जल्दी जल्दी है तो कहीं भी खड़ी है तो वहाँ जाके प्रपोज करेंगे तो बोलेंगे जा आईने में चेहरा देख के आ जा। प्रपोज करना है उसको तो बोलेंगे चलो हम होटल में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, ड्रिंक्स लेंगे, डांस करेंगे, मजा करेंगे, और वो जब मूड बनेगा तो वहाँ का जो माहौल है उसमें वो उसको प्रपोज करेगा और चांसेस वो है कि वो हाँ बोलेगी। तो जगह का बहुत इंपॉर्टेंस है। एक चाय जो टपरी पे मिलती है, रास्ते के ऊपर टपरी है उसके ऊपर चाय मिलती है, तो वो 10 रुपये का आधा कप या छोटा कप मिलता है, और वही चाय यदि आप 5 स्टार में जाते हो तो 150 रुपये की होती है। स्थान महत्व का है, कौन से जगह पे हो रहा है, तो स्थान का बहुत महत्व है जब आप कम्युनिकेशन इफेक्टिव करते हो। वैसे ही आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ में बोलते हो, ऐसा बोलते कि कॉन्फिडेंस के साथ में जो बोलता है तो उसकी मिट्टी भी बेची जाती है, मगर सोना भी बेच रहा है और लड़खड़ा रहा है बोलने के समय तो सोना भी बिके नहीं जाएगा। तो जब आप कुछ भी बात करते हो तो कितने कॉन्फिडेंस के साथ में बोलते हो, किस तरह से बोलते हो, कौन सा एटीट्यूड है, ये बहुत महत्व का है। और वो यदि आप रखते हो और कॉन्फिडेंस से बात करते हो तो वो वक्तृत्व, वो बोलना बहुत प्रभावी होता है। जब आप कोई किसी से बात करते हो तो आपने ध्यान से सुनना भी चाहिए ना क्या हो रहा है। तो हम क्या है, हम सुनते नहीं है, हम तब तक सुनते हैं कि वो कब रुकेगा और मैं कब बोलना चालू करूंगा, सुनते ही नहीं पूरे, और फिर प्रॉब्लम आता है क्योंकि जब वो बोलता है तो हम सुनते नहीं है, तो फिर जो बोल रहा है उसका अर्थ हमको जो लग रहा है वो हम लगा देंगे, हमारे दिमाग को जो लग रहा है वो लगा देंगे अर्थ, और हम वहाँ बोलना चालू करेंगे बोलते बोलते हैं, मतलब वो क्या बोल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, सब अलग अलग। जोक है वो कि संता जो है वो मतलब 100वां जो माला था बिल्डिंग का, तो वहाँ खड़ा था और उसको इन्फॉर्मेशन आ गई कि तुम्हारी बेटी मर गई, तो जैसे वो सुना तो उसने बहुत इमोशनल हो गया और उसने वहाँ से जम कर लिया। 50वें माले तक आ गया तो उसको मालूम पड़ा कि अरे अपनी तो बेटी नहीं है, बेटी है नहीं मुझे, ऐसा उसको ख्याल में आ गया। 25वें माले तक जब आ गया तो उसको लगा कि अरे ये तो क्या, मैंने कितना रिएक्शन कर लिया, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। वो 10वें माले तक आ गया तब फिर उसको ख्याल में आ गया कि वो तो बात संता की थी, मैं तो बनता हूँ। मतलब इस तरह का हम रिएक्ट इतना जल्दी कर लेते हैं, सुनते नहीं है, और वहाँ से फिर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो कभी भी हमको जब रिएक्ट करना है तब थोड़ा सा रुको, 5 सेकंड 10 सेकंड रुको, समझ लो सामने वाला क्या बोल रहा है, और बाद में रेस्पॉन्ड करो, रिएक्ट मत करो। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आप कैसा बोलते हो, मतलब शब्द फेक जो है वो फेंकना जो है, शब्द का टोनिंग जो है वो कितना महत्व का है। रोको मत जाने दो, रोको फिर कॉमा है मत जाने दो, मतलब तुम रोको उसको जाने मत दो, रोको मत जाने दो, और रोको मत जाने दो, तो मत के बाद में कॉमा आ गया, फर्क पड़ता है ना। तो आप कैसा बोलते हो, कौन से टोन में बोलते हो, कहाँ स्टॉप फुल स्टॉप देते हो, मतलब कहाँ कॉमा देते हो बोलने के समय भी, तो बहुत महत्व का होता है, और आपका कम्युनिकेशन इस तरह का प्रभावी होते जाएगा तो आप एक बहुत अच्छे महान व्यक्ति बन सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।